नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसमंदगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मन शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, जो है आज हम बीए तृतीय वर्ष की कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय में आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगे जी की रचना हरी घास पर क्षण भर कविता को पढ़ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों विगत वीडियो से। और हम हरी घास पर क्षण भर जो इनकी कविता है, एक लंबी कविता है, और इसमें हरी घास जो है एक मानव मन की, आधुनिक मन की, नगरीय जो मानव है उसकी दमित इच्छाओं का प्रतीक है, प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई कविता है। अगे जी ने अपने प्रियजन या अपना जो अपने प्रियजन या मित्र को संबोधित करते हुए या उसको लक्ष्य करते हुए ये कविता देखे यहाँ पर इस पद में क्या भाव प्रकट किए हैं। देखिए तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर अपने प्रियजन को लक्ष्य करते हुए उनके पूर्व की जो यादें हैं उनको स्मरण करते हैं, ठीक है, उनकी चर्चा यहाँ पर की गई। देखिए कैसे कि क्षण भर अनायास हम याद करें, क्षण भर अनायास हम याद करें, तिरती नाव नदी में धूल भरे पथ पर आषाढ़ की भबक झील में साथ तैरना, हंसी अकारण खड़े महावट की छाया में बदन घाम में लाल स्वेद से जमी अलकलट, चीड़ों का वन साथ साथ दुल की चलते दो घोड़े, गीली हवा नदी की फूले नथुने भर्राई सीटी स्टीमर की खंडहर ग्रंथित ग्रथित अंगुलियां बांसे का मधु, डाकिए के पैरों की चाप अध जानी बबूल की धूल मिली सी गंध। प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में अगे जी ने जो है प्रसंग आपको कैसे लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगे जी द्वारा रचित हरी घास पर क्षण भर कविता से उद्धृत है। और इसमें प्यारे विद्यार्थियों जो है मानवीय जो संवेदना को व्यक्त है वो किया गया है, मानवीय संवेदना को व्यक्त करते हुए जो है अगे जी इसमें कह रहे हैं कि जो अपना जो प्रिय अपने जो प्रियजन है या फिर अपनी जो प्रेयसी है उसको लक्ष्य करते हुए यहाँ पर उसके साथ बिताए हुए क्षणों को, पूर्व में भोगे गए क्षणों को याद करते हुए अगे जी कह रहे हैं, उनका वर्णन इसमें किया जा रहा है, आत्म रूप में इसमें वर्णन किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिए कवि अपने प्रियजन को या फिर अपने प्रेयसी को लक्ष्य करते हुए कह रहे हैं कि क्षण भर अनायास ही, यानी बिना किसी प्रयास के ही, अचानक ही हम याद करें। अचानक हम क्या याद करें, हम पूर्व में जो बीते हुए जो पल हैं उनको हम याद करें। तो इस प्रकार से कवि यहाँ पर कह रहे हैं अपने प्रियजन को लक्ष्य करते हुए कि क्षण भर हम अनायास ही पिछली जो मधुर स्मृतियाँ हैं, उन पिछली मधुर जो यादें हैं, पिछली मधुर स्मृतियाँ या फिर यादों को स्मृतियों को जो है मधुर यादों को याद करें, ठीक है, अपने प्रेयसी को या प्रियजन को लक्ष्य करते हुए कह रहे हैं कि हम क्यों नहीं कुछ क्षण के लिए अपने जो पूर्व में बिताए गए जो पल थे, सुख में जो पल थे, उनको याद करें, ठीक है। और मुख्य रूप से यहाँ पर शब्दार्थ अगर थोड़े देख लेता हूँ तो भबक, देखिए भबक मैंने गर्मी या फिर उमस आषाढ़ महीने की, और अकारण बिना कारण के, महावट का मतलब बड़ा बरगद का वृक्ष ये हो गया, स्वेद कहते हैं पसीने को, अलग लट का मतलब बालों की लट, चीड़ों का वन है, दुल की मतलब ऐसे दुल की चाल का मतलब जो घोड़े हैं वो अपने चारों पैरों को, अलग अलग पैरों को अलग अलग तरीके से उठा करके जब चलता है, ठीक है, ये चाल चलने की घोड़े की चाल है दुल की चाल। और उसके घोड़े के नथुने नाक जो है फूल गया है, और भर्राई, भर्राई मैंने अत्यधिक
तेज शोर, अत्यधिक तेज स्वर में। सिटी स्टीमर की, स्टीमर जो या जो नाव है उसके लिए यहाँ पर आया, स्टीमर जो नाव होती है। ग्रंथित मैंने गुंथी हुई, गुंथी हुई ठीक है, मिली हुई, सटी हुई ठीक है, सटी हुई मिली हुई जो अंगुलियां हैं। बांसे का यानी बांस का, मधुमने शहद, मधुमने शहद। और अध जानी का अर्थ मतलब है अध, आदि जानी पहचानी सी भी हो सकता है, या फिर यहाँ पर अध अध जली है, आधी जली हुई सी बबूल की जो धूल है, बबूल जला हुआ है उसकी गंध है, वो धूल में मिली हुई सी आ रही है। देखिए अब प्यारे विद्यार्थी, अब इसका अर्थ हम देखते हैं शुरू से ही कि यहाँ पर अगेजी है वो अपने प्रिय को, अपने प्रियजन को या अपने प्रेयसी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि चलिए कुछ क्षणों के लिए ही सही, कुछ क्षणों के लिए हम अपनी जो विगत या पिछली जो मधुर स्मृतियां हैं उनको याद करें ठीक है। कीर्ति नाव नदी में, कि हम किस प्रकार से साथ साथ थे और हम एक नाव में दोनों बैठे तैर रहे थे, नदी में नाव में हम तैर रहे थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि किस ये याद करो, वो स्मरण याद, पूर्व की जो स्मृतियाँ आ रही है कवि को कि हम किस प्रकार से दोनों नाव में बैठे नदी में तैर रहे थे ठीक है। याद कर रहे हैं पिछली बातों को कि हम किस प्रकार से नदी नदी में जो है दोनों साथ साथ नाव में तैर रहे थे। धूल भरे पथ पर आषाढ़ की भबक, और एक 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 ये तो याद किया हुआ नदी का बता दिया, अब साथ में ये बता रहे हैं कि उस समय एक आषाढ़ की भबक का भी समय था, आषाढ़ का जो महीना था, और उस समय गर्मी बहुत अधिक पड़ रही थी, गर्मी भी पड़ रही थी, और जो आषाढ़ के महीने में आंधियां भी चलती है, तो वो आंधी से धूल है, धूल भरा रास्ता था, यानी रास्ते पर धूल भी उड़ रही थी। और आषाढ़ की उमस या गर्मी, जब वर्षा नहीं होती है तो उमस हो जाती है, गर्मी हो जाती है, तो आषाढ़ की भबक का सा जो वातावरण था जो कि कष्टकारी था ठीक है, तो अत्यधिक कष्टकारी आषाढ़ के महीने की जो उमस या गर्मी और धूल भरे रास्ते पर, और साथ साथ हम झील में तैर रहे थे, झील में साथ तैरना, और इस प्रकार से हम जो है झील में जो है तैर रहे थे ठीक है। हंसी है कारण, साथ में अगला बिंब देखिए यहाँ पर प्रकट किया है, अलग अलग बिंबों के रूप में परिकल्पना की है कवि ने कि हम साथ साथ वो वटवृक्ष के नीचे खड़े होकर के हंसना, हंसी अकारण खड़े महावट की छाया में, हम उस महावट यानी बरगद की छाया में, हम मैं और प्रिय जो प्रियजन है या फिर अपने जो प्रेयसी है, जो हम दोनों उस महावट की जो अवकाश के समय हम दोनों प्रकृति का जो है आनंद उठा रहे थे, वो विगत स्थितियों को याद करें, विगत स्मृतियों को याद करते हुए कवि अज्ञेय जी कहते हैं कि किस प्रकार से हम दोनों हैं वो उस बरगद के वृक्ष के नीचे की छाया में खड़े खड़े अकारण ही, बिना कारण ही जोर जोर से हंसते थे, यानी प्रसन्नता का जो उस समय क्षण थे, प्रसन्नता के क्षण थे, इस कारण से हम बरगद के पेड़ के नीचे मैं और मेरे प्रियजन या मेरी प्रेयसी है वो हंसते थे, प्रसन्नता से बड़ी हम प्रसन्न थे उस समय, खुश थे। बदन घाम में लाल, गर्मी के कारण हमारा जो शरीर था, बदन मने शरीर और घाम मने धूप या गर्मी, धूप या गर्मी में क्या हो गया, लाल हो गया, अत्यधिक गर्मी के कारण, अत्यधिक धूप के कारण उस समय मेरी और मेरी प्रेयसी या मेरे प्रियजन का शरीर है वो क्या हो गया, लाल हो गया। और उस समय मेरी प्रेयसी के स्वेद से जमी अलग लट, और उस समय जो मेरी प्रेयसी थे उसकी जो लटें थी वो उसके शरीर पर क्या थी, जो है पसीने से के कारण है वो जम गई थी ठीक है। तो यहाँ पर एक बिंब के रूप में, प्रतीक रूप में बताया है कि मेरी जो प्रेयसी थी और उसकी जो लटे थी, बाल थे,
वो पसीने के कारण है वो शरीर से क्या हो गए, चिपके हुए थे। सवेद से जमी अलग लट, बालों की लटे हैं वो पसीने के कारण जम चुके थे, चिपक चुके थे, शरीर से चिपके हुए से दिखाई दे रहे थे। चीड़ों का वन, और साथ में देखो क्या परिकल्पना की जा रही है, क्या बात कही जी, यागी जी ने कहा है कि मैं और मेरा जो प्रियजन या प्रेसी थी वो चीड़ों के वन में साथ साथ दुल की चलते दो घोड़े, तो हम घोड़ों पर सवारी भी करते थे, घुड़सवारी भी कर रहे हैं, ठीक है, घुड़सवारी कर रहे हैं साथ साथ, कितने घोड़ों पर, दो घोड़ों पर, दो घोड़े हैं, उन दो घोड़ों पर हम, मैं और मेरी प्रेसी है वो क्या कर रहे हैं, घोड़ों पर सवारी कर रहे हैं। तो इस प्रकार साथ साथ हम जो है घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं साथ साथ, उस दुल घोड़ों पर है वो चीड़ों के वन में, कहाँ पर, चीड़ों के वन, चीड़ों के जंगल में साथ साथ दुल की चलते दो घोड़े। दुल की कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जब घोड़े घोड़ा है वो अपने चारों पैरों को अलग अलग तरीके से उठाता हुआ जो चलता है आनंद से, मस्ती से चलता है, वो दुल की चाल हो गई। तो दुल की चाल से चलते हुए दो घोड़ों पर हम सवार होकर के चीड़ों के वन में साथ साथ घूमते थे, भ्रमण करते थे। और उस समय गीली हवा नदी की, और उस समय जो वातावरण था जो है शीतलता दे रही थी, हवा भी ठीक है ना, नदी की तरफ से जो हवा आ रही थी वो आर्द्रता लिए हुए थी, और आर्द्रता से युक्त जो हवा थी वो हमें बहुत ही शीतलता का अनुभव दे रही थी, हमें बड़ी शीतल लग रही थी। और फूले नथुने, और उस समय घोड़े चलने के कारण घोड़ों के जो नथुने थे, नाक थे, वो भी फूलने लग गए थे, ठीक है, फूले नथुने, और घोड़े की नाक है वो अत्यधिक चलने के कारण है वो उनके नथुने फूल रहे थे। भर्राई सीटी स्टीमर की, और पास में जो है स्टीमर था, यानी जो आज के समय की जो नावें हैं यंत्र से चलने वाली, या जो है तेल इत्यादि से चलने वाली, अपने आप जो चलती है वो जो नाव है स्टीमर, उस स्टीमर से जो है हम पास में दिखाई दे रही थी, जोर जोर से वो भर्र भर्र करके जा रही थी। भर्राई सीटी स्टीमर की, साथ में हमें सुनाई दे रही थी जो है स्टीमर की जो नाव थी, वो स्टीमर यानी जो नाव थी उसकी तेज स्वर है वो वहाँ पर गुंजन हो रहा था, तेज स्वर सुनाई दे रहा था, भर्राई थी, भर भर करके चल रही थी। खंडहर ग्रंथित अंगुलियाँ, और पास में ये खंडर भी दिखाई दे रहा था। अलग अलग यहाँ पर स्मृतियाँ दर्शाई जा रही है, पहले वो नदी में नाव में चल रहा है, फिर वो आषाढ़ की गर्मी के रूप में बिंब रूप में बताया जा रहा है, आषाढ़ की तेज गर्मी पड़ रही है, फिर उसमें हम झील में तैर रहे हैं, फिर एक नया दृश्य है कि हम मावट की छाया में हंस रहे हैं अकारणी, फिर देखिए यहाँ पर गर्मी के कारण हम धूप में हमारा शरीर लाल हो गया है, और मेरी जो प्रेयसी थी या हमारे जो बाल थे वो पसीने के कारण है वो शरीर से चिपके हुए थे, और चीड़ों के वन में फिर अगली एक बिंब एक दृश्य अलग दिखाया जा रहा है कि चीड़ों के वन में हम दो घोड़ों पर जो दुल की चाल से चलते थे उन पे हम भ्रमण कर रहे थे, और पास से जो है नदी की शीतलता से भरी हुई ठंडी हवा आ रही थी, शीतल हवा आ रही थी, कहने का तात्पर्य आर्द्रता से युक्त हवा आ रही थी, और घोड़ों के नथुने फूले हुए थे, और नदी में जो स्टीमर चल रहे थे उनकी भर्राई हुई आवाज़ सुनाई दे रही थी, तेज गति से तेज स्वर स्टीमर का सुनाई दे रहा था, और पास में कहीं सुनसान जो है स्थान पर जो है उसकी जो स्टीमर की तेज चल रहा था उसकी सिट्टी है वो तेज स्वर में बज रही थी। वही वन प्रांत में एक खंडर ऐसे सिमटे हुए थे, वन प्रांत में खंडर भी था, टूटे फूटे मकान जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, टूटे फूटे मकानों को, भवनों को क्या कहते हैं, खंडर, ठीक है, ऐसे वहाँ पर सुनसान स्थान पर खंडर खड़े हुए थे, खंडर यानी टूटे फूटे मकान थे जो इस प्रकार से आपस में सिमटे हुए थे जैसे अंगुलियाँ आपस में सिमटी हुई जैसे हो, ग्रंथित अंगुलियाँ, तो ये खंडर को यहाँ पर बता दिया कि अंगुलियों की भांति है वो खंडर आपस में सिमटे हुए से दिखाई दे रहे थे। बांसे का मधु, और पास में ही बांस का वन है क्षेत्र था, या बांस के वृक्ष वो लगे हुए थे, और उन बांसों पर जो है मधुमक्खियों के छत्ते थे, तो उनसे जो शहद था या बांस का जो शहद था वह भी दिखाई दे रहा था, या वह भी हमें अच्छा लग रहा था, बांस का शहद है। डाकिये की पैरों की चाप, चाप मने ध्वनि, कदम ताल, ठीक है ना, कदम ताल जो है वो
सुनाई दे रही थी, डाकिया जो किसी का पत्र व्यवहार वो एक पत्र है, पत्रों को है वो प्रेषित कर रहा था एक स्थान से दूसरे स्थान पर, घरों में वो डाकिया वो पत्रों को बांट रहा था, तो उस डाकिया के पैरों की चाप सुनाई दे रही थी, अध जानी बबूल की धूल मिली सी गंध। देखो क्या क्या चीज़ें, क्या कितने सारे बिंब दिखाए गए, कितने सारे दृश्य एक एक ही इस पद में दिखाए गए हैं, तो डाकिया की पैरों की चाप भी सुनाई दी, एक ये अलग दृश्य आ गया। फिर अगला एक बिंब यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है, बताया गया है क्या क्या स्मरण उनको हो रहा है आगे जी को, अपने और अपने प्रेयसी या अपने प्रियजन या मित्र के साथ में जो बिताए हुए पल थे उसमें, तो अध जानी बबूल की धूल मिली सी गंध, और वहाँ पर जो बबूल जो आधा जला हुआ सा उसकी लकड़ी थी उसकी बबूल की, तो आधा जला हुआ बबूल की सी जो बबूल की जो राख कह सकते हैं उसकी धूल से मिली हुई गंध है, वो भी वहाँ पर अज्ञे जी कहते हैं कि वहाँ हमें जो है उस वो गंध आज भी हमें याद है, हमने उस गंध को महसूस किया था। तो इस प्रकार से यहाँ बबूल की धूल मिली गंध भी वहाँ पर आ रही थी। कहने का तात्पर्य कि उस समय हम दोनों मुक्त प्राकृतिक जो परिवेश थे उस प्राकृतिक परिवेश में भ्रमण कर रहे थे, और वो क्षण है वो आज भी हमें स्मरण है, याद है, उसको हम भूल नहीं सकते। जो प्राकृतिक परिवेश में जो पल जो बिताए हुए थे उनको कवि कह रहे हैं कि हम उसको भुलाए नहीं भूल पा रहे हैं, और उस समय ये कहना है तात्पर्य है कि कवि यहाँ पर प्राकृतिक परिवेश से जुड़ने की बात यहाँ पर कही जा रही कहने का प्रयास कर रहे हैं, या प्रेरणा या फिर जनता को मानवीय चेतना को जागृत करने का भाव यहाँ पर किया जा रहा है कि प्राकृतिक परिवेश से जुड़ना चाहिए। आज का जो नगरीय मानव है वो यंत्रों से किस प्रकार से यंत्रवत हो गया है, और इस कारण से वह केवल शहरों तक सीमित रह गया है, वह प्रकृति के बारे में कुछ भी नहीं जानता या प्रकृति से जुड़ना नहीं चाहता, तो वो प्रकृति प्राकृतिक परिवेश से किसी भी प्रकार से मनुष्य है वो जुड़े, तो वो जो प्राकृतिक परिवेश का जो आनंद है वो उसकी जो स्मृति है वो भुलाए नहीं भूली जाती। तो इस प्रकार का यहाँ पर भाव हुआ है मानवीय संवेदना विशेष वाले पॉइंट में, प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है मानवीय संवेदना एवं भोगवादी भावना की व्यंजना हुई है। इस पद में मानवीय संवेदना की और भोगवादी भाव मानवीय संवेदना और भोगवादी विचारधारा की विशेषता या भोगवादी जो भावना है उसकी विवेचना की गई है, ठीक है, भावना की अभिव्यंजना की है, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों मानवीय संवेदना और भोगवादी भावना की विवेचना की गई है, और वर्णन की शैली देखें तो गणनात्मक शैली का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, अलग अलग दृश्य दिखाने का प्रयास किया बिंबों के माध्यम से, ठीक है। तो परिगणनात्मक शैली है, शब्दावली तत्सम्प्रदान, शब्दावली भावानुरूप है, शब्दावली भावानुरूप प्रखर है, तो इस प्रकार के बात आप विशेष वाले पॉइंट में आप लिखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए एक पद है वो पर्याप्त है, क्योंकि ये बड़े बड़े पद हैं आगे के, तो हम आज एक ही पद लेते हैं, तो आज इस पद को आप पुनः पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की कविता हरी घास पर क्षण भर को लेकर के आगे के पदों की व्याख्या हम लेकर के फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इस पद की व्याख्या को आप पुनः पढ़ेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छा पद है, और इस पद को पुनः पढ़ेंगे, इनके नोट्स बनाएंगे और इनको याद भी करना है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद विद्यार्थियों।